हेलो फ्रेंड्स, बाटिक प्रिंट के बने इस सुंदर से मास्क को बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है बाटिक प्रिंट के ब्लाउज पीस के बॉर्डर वाले हिस्से को। हमने एक बचे हुए ब्लाउज पीस के कपड़े के बॉर्डर को निकाल लिया। देखिए, दो बॉर्डर्स को हमने बीच में जोड़कर ये चौड़ा भाग बना लिया। ये चौड़ा भाग 20 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ा है। जो प्लेन हिस्सा था उसे हमने इसके पिछला भाग बना लिया और इस पिछले भाग को पीछे से थोड़ा सा खोला ताकि इसे सीधा कर सकेंगे। फिर हमने इसकी साइड से सिलाई की। सिलाई करते समय दोनों हिस्सों में इलास्टिक लगा दी। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए हम प्लेट्स इस तरह डालेंगे कि दो प्लेट्स इस तरफ से आए ऊपर से और दो प्लेट्स नीचे से जाए। इससे आपका डिज़ाइन पूरी तरह उभर कर आएगा। ये हमने इधर प्लेट्स डाल दी। इसी तरह हम दूसरे तरफ भी प्लेट्स डालेंगे। और दोनों तरफ एक सिलाई चलाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप इसके सिलाई मशीन से करें, नहीं है तो आप इससे हाथ से भी सिल सकते हैं। ये हमने दोनों तरफ प्लेट्स डाल दी है और डाल के सिलाई कर ली है। अब हम इधर लेस लगाएंगे। लेस के लिए मैंने एक और ब्लाउज पीस का बॉर्डर निकाल लिया है। इसे हम मैंने अपने ब्लाउज पे नहीं लगवाया था तो ये बॉर्डर बेकार ही पड़ा था। अब मैं इस बॉर्डर के इस पतले वाले हिस्से को काट लूँगी। आप कोई और भी लेस लगा सकते हैं जो आपके पास बेकार पड़ी हो। इस लेस को मास्क के दोनों तरफ लगाने से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये मैंने लेस को काट लिया है। अब हम इसे दोनों तरफ लगाएंगे। अगर आप ऐसी लेस लगाना नहीं चाहती हो तो आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से ये ज़्यादा सुंदर दिखेगा, इसलिए आप इसे लेस लगा दें। इस लेस को यूं हम हाथ से इस पे टाक देंगे। हाथ से टाकने से ये अच्छे से बैठ जाएगा इस पे। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ ये लेस टाक दी है। अब दिखाना आपने कितनी आसानी से ये सुंदर कॉटन मास्क बनकर तैयार है। तो फिर जाइए अपने कपड़े के स्टॉक पे, देखिए कहीं कोई कतरन बची हो तो उसका मास्क जल्द से जल्द बनाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।